हेलो बच्चों जैसे जेई मेन 2023 में जनवरी सेशन का रिजल्ट इज आउट अब बहुत सारे बच्चे उसे खुश हुए होंगे उस रिजल्ट से कुछ बच्चे थोड़े से निराश भी होंगे तो आई विल से दिस इज़ बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी बट वी शुड नॉट लूज फोकस ऑन सेकंड मेंस एंड एडवांस अगर हम एक एक दिन जो हम वेस्ट करेंगे अभी सोचते हुए वो इम्पैक्ट करेगा हमारे फाइनल रिजल्ट पे दिस इज़ नॉट योर फाइनल रिजल्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड तो अगर मान ली किसी भी रीज़न से यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल तो फिर हमारा जो साइट है वो फुल्ली फिक्सड होना चाहिए हमारे मेज टू की तरफ एंड एडवांस की तरफ और हम ऐसा कोई भी काम ना करें कि हमारे वो रिज़ल्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो अब सबसे पहले बच्चों के बीच में ये कन्फ्यूज़न आता है कि मैं कौन सा कोर्स मेरे लिए अप्रोप्रिएट है मतलब मैं सी क्यूब लूँ या फिर चैंप लूँ या फिर आ, कैट्स लूँ तो उसी चीज को हम इस यहाँ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे तो देखो पहला आ, पहला पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा जैसे मान ले किसी का 97 सेवन परसेंटेज आया तो अगर तीन बच्चों का 97 सेवन परसेंटाइल आया तो दैट डज नॉट मीन कि तीनों के लिए हम एक ही कोर्स बना दें मतलब घोड़े हों चाहे गधे हों चाहे खरगोश हो सब के लिए हम एक ही uh, तरह की स्टेडजी बताते हैं दैट इज़ नॉट पॉसिबल जो हमने कोर्सेज़ बनाए हैं स्पेशली टीम कॉम्पिटिशन ने टाइम दे दे के एक एक कोर्स में एक एक एलिमेंट जो हमने डिज़ाइन किया उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए किया गया है ताकि बच्चे का जो अभी करंट प्रिपरेशन स्टेटस है उसके हिसाब से उसके लिए बेस्ट क्या है ये हमने uh, अलग अलग कोर्सेज बनाने की कोशिश किया इसीलिए हमने ऐसा नहीं किया कि एक ही कोर्स सबके लिए बना दिया बिकॉज़ उसमें हर बंदे का कुछ ना कुछ चीज कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा तो इसलिए अगर तीन बच्चों का 97 परसेंटाइल आया है दे मे हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी दे मे हैव टू फॉलो डिफरेंट स्ट्रेटजी टू गेट बेस्ट आउट ऑफ देयर टैलेंट जो भी उनके पास है तो इसी चीज को हम इस वीडियो में हल्का-फुल्का डिस्कशन uh, करेंगे तो टीम uh, कंपटीशन इस वीडियो का टाइटल है कि विच कोर्स शुड आई फॉलो इज इट कैट्स और चैम और सी क्यू तो पहले मैं एक इसको ऐसे कैटेगराइज कर देता हूं कि इन कोर्सेज के बीच में अंतर क्या है तो कैट्स इज बेसिकली रिविजन कोर्स फॉर एडवांस मतलब इसमें जो फोकस रखा गया है वो एडवांस के लिए रखा गया है चैम इज अगेन रिविजन कोर्स फॉर ये है मेंस ये ठीक है ये मेंस में आपको अगर हम बोलेंगे 99.9 परसेंटाइल आ जाएगा तो बिल्कुल तो इसमें एलिमेंट ऐसे डाले गए कि मेंस में हमारा ऑप्टिमाइज रिजल्ट आए सी क्यूब इज नॉट रिविजन कोर्स दिस इज फॉर कंप्लीटिंग द कोर्स ये ठीक है अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसका कोर्स अभी बचा हुआ है और वो कोर्स कंप्लीट करना चाहता है तो रिवीजन की बात तो ऑफ कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आएगी और तो वो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम मेन्स परस्पेक्टिव ठीक है मेन्स के हिसाब से अगर कोर्स कंप्लीट करना है तो वो सी क्यूब है मेन्स के लिए अगर रिविजन करना है तो वो चैंप है एडवांस uh, के लिए अगर रिविजन करना है तो कैट्स है और इसमें हम एक चीज और जोड़ देते हैं दैट इज फास्ट लेन ये अगेन कोर्स कंप्लीशन कोर्स है फॉर एडवांस ये ठीक है अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला कि 97 सेवन परसेंटाइज पर तीन बच्चे हैं तो दैट डज नॉट मीन कि तीनों के लिए एक ही कोर्स सूटेड है क्यों जितना भी मेरा हजारों बच्चों से इंट्रैक्शन हो रहा है सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं एक बच्चा बोला कि के मैंने केवल 65 परसेंट कोर्स किया उसी से मेरी नाइन्टी सेवन परसेंटाइज तो उसके लिए स्टड्जी अलग होगी एक बच्चा बोला कि मैंने कोर्स तो पूरा कर लिया था बट आ, मैं जो हूँ प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो उससे मेरी 97% सेवन परसेंट टाइल आया तीसरा बच्चे ने बोला कि मैंने कोर्स किया था मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे जो भी हम रिव्यू टेस्ट दे रहे थे उसमें बट वहाँ जाके मैंने कुछ ली मिस्टेक्स कर दी बहुत सारी मैं पैनिक हो गया जिसकी वजह से 97% सेवन परसेंट टाइल आ गया तो देखो ऑन द फेस ऑफ इट हमें 97% सेवन परसेंट दिखाई दे रहा है बट तीनों के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग है वही हम डिस्कशन uh, करने की कोशिश करेंगे तो देखो सबसे पहले सी क्यूब कोर्स कंप्लीशन कोर्स है तो अगर किसी कोर्स uh, कंप्लीशन के लिए है और सी क्यूब को फॉलो करके भी नाइन्टी नाइन परसेंट टाइल से ऊपर बहुत सारे बच्चे आए हमने आज जो लाइव लिया था उसके अंदर बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दिए किन बच्चों ने नाइन्टी नाइन परसेंट टाइल से ऊपर लेके आए हैं तो अगर किसी भी बच्चे का कोर्स मान लें थर्टी फोर्टी परसेंट बचा हुआ है तो जो बचे हुए दो महीने हैं उसमें उसको कोर्स भी कंप्लीट करना है प्लस एक आ, प्रैक्टिस भी करनी है मिनिमम तो वो और किसी भी कोर्स से पॉसिबल नहीं है वो केवल सी क्यूब से पॉसिबल है तो आपका चाहे परसेंटाइज कुछ भी आया हो नाइन्टी फाइव आया हो नाइन्टी आया हो नाइन्टी सेवन आया हो अगर आपको थर्टी फोर्टी परसेंट कोर्स अगर कंप्लीट करना बाकी है या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आ, एक बच्चा बोले कि मेरा मैथ में 60% परसेंट को, को सिलेबस बचा हुआ है बाकी कंप्लीट है तो ऐसे बच्चों के लिए है सी क्यूब कोर्स जो आपको मेंस के मिनिमम लेवल तक तैयार कराएगा मतलब मेंस के अंदर जो ईजी और मॉडरेट आएगा अप्रैल अटेम्प्ट में रिलेटिवली टफ क्वेश्चन आएंगे नो डाउट अबाउट इट बट वो फिर भी उसमें ईजी क्वेश्चन भी आएंगे और मॉडरेट क्वेश्चन भी आएंगे तो उन क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए ये बैच है तो जो भी बचा हुआ टाइम है उसको हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं वो यही वाला चीज़ है अब इसमें कुछ बच्चे का ऐसा हो सकता है नाइन्टी फाइव परसेंट टाइल आया है और अगर उसको रियलिटी से कोई उसका संबंधी नहीं है तो हो सकता है कि वो बहुत ऊपर पंच करने की कोशिश करें मतलब वो सोचे कि मैं एक तो एडवांस की तैयारी करता हूँ तो क्या होगा कि वो करना चालू करेगा दस दिन में उसका एक एक आधी चैप्टर कंप्लीट होगा फिर उसे लगेगा कि यार इतनी जल्दी तो मैं कोर्स कंप्लीट कर ही नहीं सकता दो महीने में फिर वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा तो उसका प्रिपरेशन बिल्कुल गया ये हमें समझना चाहिए कि ये जो टाइम बचा है दो महीने का मेंस टू से पहले पहले या फिर इवन एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन के लिए हमारे पास तीन चार महीने बचे हैं इसमें एक एक दिन एक एक घंटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अपनी स्ट्रैटेजी को हमें फिक्स करना चाहिए तो आई विल से नाइनटी नाइन्टी परसेंटाइल हो या 97 परसेंटाइल हो अगर आपका कोर्स 30 40 परसेंट बचा हुआ है तो सी क्यूब इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर यू उसके बाद आता है चैम्प तो अगर किसी बच्चे ने मान लिया कोर्स कंप्लीट कर रखा है और उसे एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है अब प्रैक्टिस के नाम पे क्या होता है कि हज़ारों क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन करें इसी के लिए हमने चैंप को डिज़ाइन किया है जिसमें थ्योरी ब्रशभ के लेक्चर भी हैं और इसके अंदर आपको एक बहुत डेडिकेटेड टीम ने क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके 25-30 क्वेश्चन हर चैप्टर में ऐसे किए हैं कि बच्चा अगर उसको कर ले तो उसका सारा चीज़ एकदम ब्रश अप हो जाएगा शानदार ढंग से उसका एक बार मेंस के पर्सपेक्टिव से रिवीजन हो जाएगा तो अगर किसी बच्चे को रिवीजन करना है मेंस का तो उसके लिए उसे चैम्प लेना चाहिए और चैम्प जो है वो नाइन्टी परसेंटाइल या उससे ऊपर आपको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सिमिलरली सी भी अगर आपका नाइन्टी परसेंटाइल है या उससे ऊपर है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा उसके बाद अगर किसी बच्चे ने बोला है कि आ, मेरा मेंस लेवल तक का तो तैयारी है बट मेरे को एडवांस के क्वेश्चन करने में डर लगता है तो ऐसे बच्चों के लिए रिवीजन के लिए कैट्स इज द अप्रोप्रिएट कोर्स अब उसका 95 फाइव परसेंटाइज वाले बच्चे का भी हो सकता है कि वो बोले कि यार मैं थ्योरी के साथ तो बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ मान ली कोई नाइन्टी परसेंटाइल वाला बच्चा है वो बोले कि सिली मिस्टेक्स की वजह से रिविजन ना करने की वजह से मेरा परसेंटाइल इतना गिर गया तो उसको चैम्प और कैट्स दोनों लेने चाहिए ताकि वो मेन्स और एडवांस दोनों की अभी से प्रैक्टिस करता हुआ चले और रेगुलर इंटरवल पे पेपर देता रहे ये ठीक है सी क्यूब के अंदर भी टेस्ट पेपर आपको मिलेगा चैम के अंदर भी आपको मेंस के टेस्ट पेपर मिलेगा और कैट्स के अंदर भी एडवांस के टेस्ट पेपर मिलेगा तो वो सारे टेस्ट इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है तो कैट्स उस बच्चे के लिए है जो रिविजन करना चाहता है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैट्स के अंदर अगेन अ सेलेक्टेड गुड क्वेश्चन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी प्लस उसके डीबी होंगे तो जो बच्चा ये करेगा उसको एडवांस में जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और लास्ट में जाके आता है फास्ट लेन अब एक बच्चा ऐसा हो सकता है कि ही इज एमिंग उसका 99 नाइन परसेंटाइल से ऊपर आए और अभी उसका कितना भी परसेंट आईलायो हो बट उसको लगता है कि 10-20 परसेंट सिलेबस बचा हुआ है तो ऐसे बच्चे को हम ये नहीं बोल सकते कि आप एक मिनिमम लेवल तक कंपेयर करो क्योंकि कंप्लीट करो कोर्स क्योंकि दो महीने तो काफ़ी टाइम है अगर केवल दस बीस ही कोर्स कंप्लीट करना है तो ऐसा बच्चा फास्ट लेन से एक बार कोर्स कंप्लीट कर सकता है फास्ट लेन का हमने जो प्राइस है वो 29,000 से घटा के केवल 2023 वाले बच्चों के लिए 9,000 कर दिया है और ये सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है थ्री uh, थाउजेंड में तो अगर आपको किसी बच्चे को लगता है कि मेरा बाकी दो सब्जेक्ट ठीक है मैथ थोड़ा सा वीक के, है केवल मेरे को मैथ करना है तो मैथ का कोर्स भी आप बाई कर सकते हो दैट इज़ फॉर सॉरी फोर थाउजेंड थ्री थाउजेंड नहीं फोर थाउजेंड टोटल कोर्स अगर तीनों सब्जेक्ट का लेते हैं तो आप 9000 के लिए और एक सब्जेक्ट वाइज लेते हैं तो दैट इज़ अवेलेबल फॉर 4000 थाउजेंड मैंने इंटरेस्टिकली इसका प्राइस रिड्यूस कर दिया है क्योंकि बच्चे और कहीं भी आ, हो सकता है उसने कहीं और एडमिशन लिया हो वहाँ फीस जमा किया हो बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी स्टूडेंट्स ये तो हो गए हमारी कोर्स की बात ठीक है अब हम बात करते हैं हाउ टू गेट इट फ्री तो जो हमारा कैट्स है दैट इज फ्री अगर आपका 98 परसेंटाइल है या फिर उससे ज़्यादा अगर आपका परसेंटाइल 98 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा कैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल uh, फॉर्म है आप उसको भरिए उसमें जो जो भी फील्ड रिक्वायर्ड है वो सब भरिए हमारी टीम उसको चेक करेगी फिर आपको वो फ्री एक्सेस देगी अच्छा अगर आपने एक बार फॉर्म uh, भर दिया है तो आपको बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है हमारी टीम के पास जैसे जैसे डेटा आएगा वो उसको वेरीफाई करके एक्सेस देती रहेगी ये तो हो गया हमारा कैट्स जो चैम्प है प्लस सी क्यूब ये दोनों यू कैन अवेल फॉर फ्री इफ योर परसेंटाइल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नाइनटी सेवन परसेंटाइल सेवन या उससे ज्यादा है तो चैम्प और सी थ्री आपके लिए फ्री है फ्री ऑफ कॉस्ट है अच्छा एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है वो बोले कि यार मेरा नाइन्टी सेवन परसेंटाइल का पोटेंशियल है और अगली बार मैं डेफिनेटली लेके आ जाऊंगा बट अभी मेरा नाइन्टी फाइव ही है तो कोई बात नहीं अभी आप बाई कर सकते हो अगर आपका फर्स्ट मेन या सेकेंड मेन किसी में भी इतना परसेंटाइल है मतलब कैट्स के लिए नाइन्टी एट परसेंटाइल और इसके लिए नाइन्टी सेवन परसेंटाइल तो आपको फी रिफंड हो जाएगा अगर आपने खरीद रखा है ऑलरेडी ये ठीक है अच्छा इन तीनों को ही फ्री अवेल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं जो गूगल फॉर्म हमने दे रखा है उसमें आप अपनी डिटेल्स दीजिए और फिर थोड़ा सा वेट कीजिए एक आध दिन में हमारा टीम विल गिव यू द एक्सेस और वो आपको पूरा प्रोसीजर बताएगा कि कैसे कोर्स अवेल किया जा सकता है अगर किसी कोई बच्चा आ, फास्ट लेन में इंटरेस्टेड है तो हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकता है अच्छा ये तो हो गया फ्री की बात अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है वो बोलता है कि मैं मेंस टू में तो ले आऊँगा बट अभी नहीं है मेरे पास तो कोई बात नहीं अभी आप फ़ीस जमा करके ले लीजिए और मेज़ टू के बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा और आपका परसेंटाइज जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आएगा वी विल रिफंड यू द मनी हमने लास्ट ईयर भी किया था उससे पहले साल भी किया था इस साल भी करेंगे और हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो अपना फ़ी रिफ़ंड करवा लेते हैं ऐसे करके तो एक बार मैं वो बता देता हूँ कि सी क्यूब जो है कॉम्पिटिशन क्रैश कोर्स वो हमारा वैसे सिक्स से स्टार्ट हुआ था तो इसमें ऐसा है कि एवरी चैप्टर मतलब पूरे कोर्स को हमने पच्चीस चैप्टर में डिवाइड किया और एवरी चैप्टर के लिए दो दिन है तो दो दिन लेक्चर आएगा उसका तो अगर कोई बच्चा अभी इसको लेता है तो उसके पहले दो चैप्टर निकल गए होंगे अच्छा इन सभी कोर्सेज में चैम्प हो सी क्यूब और कैट्स हो ये जो छः तारीख से स्टार्ट हुआ एक तो आपको शेड्यूल्ड लेक्चर्स मिलेंगे और वही लेक्चर आपको एक साथ अनशेड्यूल्ड भी मिलेंगे तो कोई बच्चा ऐसा हो सकता है वो बोल मेरे को यार वो चैप्टर करना है दसवें नंबर का चैप्टर करना है बस एक तो वो दस दिन वेट थोड़ा ना करेगा कि पहले जब वो सीक्वेंस में वो चैप्टर आएगा तब मैं दस दिन बात करूंगा तो उसके लिए अनशेड्यूल्ड लेक्चर्स आर आल्सो देयर तो अब बच्चा अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकता है कि मेरे को तो ये ये चैप्टर पहले करने हैं तो वो पहले कर सकता है ठीक है जो बच्चा पूरा ही कोर्स करना चाहता है और वो चाहता है कि मेरे को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि आज कौन सा करना है तो वो शेड्यूल्ड लेक्चर सेम मतलब मेरे को कोई अलग अलग नहीं खरीदना सेम बैच के अंदर शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड दोनों हैं तो वो शेड्यूल्ड लेक्चर्स को फॉलो कर सकता है और इस कोर्स का जो प्राइस है दैट इज़ थ्री ट्रिपल नाइन अगर आपका नाइन्टी सेवन परसेंटाइल या उससे ज़्यादा नहीं है तो और जैसा मैंने बोला कि अगर आप नाइन्टी सेवन परसेंटाइल या उससे ज़्यादा ले आओगे तो जीएसटी काट के जो फीस है वो आपको फुल्ली रिफंड कर दी जाएगी आँ... ये बैच वैसे तो सिक्स से स्टार्ट हुआ है बट अगर आप एक दो दिन में भी खरीद मतलब एक दो दिन में भी अगर आप इसमें इनरोल करते हो तो भी यू कैन फॉलो उसके ऑनवर्ड्स और जो पहले एक दो लेक्चर मिस होंगे वो आप संडे को कर सकते हो या फिर टाइम निकाल के इन्हीं वीक डेज़ में कर सकते हो और जैसा मैंने बोला कि अनशेड्यूल्ड लेक्चर तो अवेलेबल ही है हमारे पास फिर चैम्प जो है वो मेन्स का जो रिविज़न कोर्स है दैट ऑल्सो स्टार्टेड ऑन सिक्स और इसकी जो फीस है वो टू थ्री सिक्स जीरो अगर आपका नाइन्टी सेवन परसेंटाइज नहीं है उससे कम है बट यू आर श्योर कि अगले मेन्स में मेरा आ जाएगा तो ये वाली फीस अभी आपको जमा करनी पड़ेगी और जैसे ही आपका 97 सेवन परसेंट आई से ऊपर आएगा तो जीएसटी तो बेसिकली गवर्नमेंट को चला जाता है इसमें इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है ये ठीक है वो 18 परसेंट कटेगा ऑफकोर्स जी एस टी परसेंट होता है वो जो बचा हुआ पैसा है वो आपको फुल्ली रिफंड कर दिया जाएगा कैट्स टू जो है वो भी हमारा सिक्स से स्टार्ट हुआ है इसकी uh, फीस जो है वो टू फोर है बाकी सेम ही प्रोसेस है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑफकोर्स नाइन्टी एट परसेंट या उससे ज़्यादा है तो आप इसको फ्री में अवेल कर सकते हैं अदरवाइज अगर आपको उससे कम है बट आप चाहते हो कि मैं अगला दो महीना वेस्ट ना करूँ मैं तो अभी से एडवांस की तैयारी करना चालू चालू कर देता हूँ तो फिर अभी आपको फीस दे के वो कोर्स लेना पड़ेगा जैसे आपका सेकेंड मेज में अगर आपका नाइन्टी परसेंट नाइन्टी एट परसेंट आइल या उससे ज्यादा आता है तो इट विल बिकम फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा ये कहाँ से बाई कर सकते हैं तो कोर्स आर अवेलेबल ऑन एडू कॉम्पिटिशन ऐप है हमारी एक एंड्रॉइड ऐप है एडू कॉम्पिटिशन के नाम से वहाँ पे आ, उसको इंस्टॉल करके आप वहाँ पे कोर्स ये ले सकते हैं जो, ये सी क्यू फाइव के नाम से है ये चैम्प फोर के नाम से है ये कैट्स टू के नाम से कैट्स टू का मतलब कहा एक कैट्स वन हमने पहले ही चला दिया था ये उसका दूसरा बैच है तीन चैम्प ऑलरेडी चल चुके हैं ये फोर्थ चैम्प है और सी क्यू के चार बैचेज ऑलरेडी चल चुके हैं अभी जो सिक्स से स्टार्ट हुआ वो फिफ्थ बैच है इसमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट uh, है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं दैट इज टेट्रा एट टेट्रा जीरो टू वन मतलब एट 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 जीरो 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 ट्वेंटी वन या तो इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर सेवन फोर वन जीरो नाइन जीरो जीरो नाइन जीरो वन और लास्ट में नाइन जीरो वन की जगह नाइन जीरो सिक्स भी लगा सकते हैं नाइन जीरो एट भी लगा सकते हैं तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है और आपके लिए कौन सा कोर्स अप्रोप्रिएट है ताकि जो बचे हुए एडवांस uh, तक, तक तो प्रैक्टिकली हमारे पास सौ दिन हैं उससे भी जाता है और मेज तक हमारे पास लगभग सिक्सटी डेज हैं अभी एक एक दिन का यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब वो एक्सपेरिमेंटेशन वाला टाइम अब नहीं बचा कि हम uh, कुछ लें और फिर हम सोचें कि चलो फील करके देखते हैं कि क्या होता है फिर हम अपनी स्ट्रेटी चेंज करें दैट टाइम हैज़ गॉन टाइम इज़ मनी टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जो आप अगले दो महीने में करोगे उसका इम्पैक्ट अगले दो महीने प्लस उसके मेज टू के बाद जो डेढ़ महीना बचेगा लगभग उसमें जो आप करोगे उसका इम्पैक्ट आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है तीस चालीस साल की इसके आगे उसके ऊपर आएगा तो हमें इस चीज़ की सीरियसनेस समझ में आनी चाहिए और मेरे को अपना पूरा तन मन धन के साथ इसमें झोंक के पूरा हंड्रेड परसेंट देना पड़ेगा तो फिर आपका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से यू विल बी एबल टू गेट बेस्ट स्ट्रेंथ तो मेक श्योर sure के बाद में मेंस टू के बाद ना पछताना पड़े हमें या फिर एडवांस uh, के बाद ना पछताना पड़े ईच एंड एवरी मिनट यू शुड इन्वेस्ट इन योर प्रिपरेशन अच्छा ये बोलने का मतलब ये नहीं कि पागलों की तरह घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में घूम रहे हैं इंजॉय करते हुए भी मेहनत की जा सकती है दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि खुश रहें ये ठीक है आराम से छः घंटे सोएं कम से कम छः घंटे सोएं तो आपका जो दिमाग है वो शार्प रहेगा चीज़ें जल्दी जल्दी समझेगा और जो बचा हुआ टाइम है जिसमें भी आप पढ़ रहे हो चाहे वो दस घंटे हो या बारह घंटे हो उसमें पूरा हंड्रेड परसेंट आपकी एफिशिएंसी आएगी तो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कुछ बच्चे फर्स्ट मेंस का रिजल्ट देख के हो सकता है डीमोटिवेट हो जाए वो कोशिश करने में पंद्रह घंटे पढ़ता हूँ अठारह घंटे पढ़ता हूँ नहीं भाई जो बचे हुए वो जो पंद्रह अठारह घंटे हैं अगर लैक ऑफ स्लीप है ये ठीक है अगर आपका ब्रेन शांत नहीं है तो उसमें इफेक्टिव आउटपुट छः सात घंटे का ही रह जाएगा तो इसलिए प्रॉपरली छः घंटे तो जरूर सोएं और बाकी मतलब जिसे बोलते हैं कि टाइम वेस्ट ना करें ये ठीक है प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें केवल दो तीन महीने की बातें इट कैन चेंज योर लाइफ तो आई होप यू हैव गॉट द मैसेज एंड यू विल डू योर बेस्ट एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम कॉम्पिटिशन